हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज है दिवाली, तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं घर पे ही हूँ, और सच बताऊँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं अकेले क्या क्या करूँ। बट हाँ, बहुत सारे डेकोरेशन करने हैं अभी, तो उसके लिए ना मुझे रियल फ्लावर्स चाहिए। लेकिन दिक्कत ऐसा है ना कि आज ब्लिंकिट काम ही नहीं कर रहा। इतना डिमांड है ना ब्लिंकिट के ऊपर कि आज ब्लिंकिट अनअवेलेबल है। उसकी जो सर्विस है अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नीचे ताकि मैं वहाँ से रियल फ्लावर लेके आ सकूँ कुछ डेकोरेशन करें। तो आज मैं आपको दिखा लूँगी कि हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली अलोन। सो बी कंटिन्यू इन आवर ब्लॉग एंड एंजॉय दिवाली विथ मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय। तो मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट लिफ्ट में, और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसका कलर गोल्ड है एंड आई लव गोल्ड। जिधर भी देखेंगे ना उधर बम ब्रम फटाके और राखे सब जल रहे हैं। बट तो यहाँ से लिए हमने बहुत सारे हाँ, मैंने रंगोली बनाने का सामान तो सारा ले लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम जो रंगोली का, हमने सारा सामान ले लिया है। और रंगोली के सामान के अलावा मुझे स्वीट्स भी लेने थे, तो स्वीट्स तो उधर नहीं मिले हैं, इसके लिए मैं आ चुकी हूँ उस हीरा स्वीट्स पे। और यहाँ से हम लेते हैं सबके लिए स्वीट्स। ये भीड़ कुछ इतना ज़्यादा है कि पूछे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया आप भीड़ हमारे पास देखेंगे, इतना भीड़ है यहाँ स्वीट्स को लेकर के। और पहले मुझे टाइम ही नहीं मिला लेने का, चलिए लेते हैं। तो इतनी भीड़ थी ना कि एक बिल लेने में ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब हमारा क्या काम है, अब करवाना है मुझे मिठाई पैक। तो चलिए करवाते हैं। ये हमारी पैकिंग, और ये इतनी सारी मिठाइयाँ यहाँ पे है कि मैं कंफ्यूज ही हो गई हूँ इतनी सारी मिठाइयाँ देख करके। इधर जिधर देखेंगे उधर भीड़ 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 हो रहा है। तो देखेंगे, हमने ले लिया है इतना सारा मिठाई, और अब जो बाकी जो चीज़ें रह गई है वो है और रियल फ्लावर्स वाली। और बस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। लड़कियों का चल रहा है फोटोशूट, देखो कहीं भी रुक करके फोटोशूट करने लग जाती है, जैसा कि आपने पीछे देखा। फाइनली आई एम बैक विद द दिवाली थिंग कि मैंने दिवाली में क्या क्या मंगाया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑरा डेकोर का ये इसका एक प्रोडक्ट है, और ये बहुत ही शानदार और बहुत इतना ज़्यादा खुशबू वाला है ना आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर एक बाउल भी है जो मैंने ऐसे लिया है, इसको बीच में रखेंगे वहाँ पे। और इसकी जो खुशबू है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इसकी कैसी खुशबू है। और साथ में आप देखेंगे ना लड्डू के जैसे ना इसमें ये कैंडल है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो ये है हमारा पहला थिंग। और जो दूसरा हमारा है वो इतनी सारी रंगोली के कलर्स, जो इसमें कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स। तो ये हो गए। दूसरा ये वेलोवेटा का मैंने ना कैंडल मंगाया है, तो इसमें देखेंगे ना ये समथिंग कुछ ऐसा कैंडल है। और अगर आप इसको खोलेंगे ना तो दिस इज़ बहुत प्यारा इसका फ्रेग्रेंस है। तो ये भी मंगाया है, बाकी ये स्टैंड कैंडल भी मंगाया है, बाकी ये भी बहुत सारे कैंडल 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 है। ये मैं भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये समथिंग देखेंगे तो ऐसे हैं, 50 पैक है इसमें, 50 पीसेस है। तो ये भी कुछ बड़ा अच्छा सा, इसके भी दो पैक है यहाँ पे, तो ये भी लाई हूँ। बाकी ये रंगोली बनाने के सामान है, ये रंगोली वाले हैं तो इसको भी साइड कर देते हैं। बाकी ये ओ माय गॉड, रियल फ्लावर, मैं तो फ्लावर के पीछे मर जाती हूँ, मुझे इतने पसंद है। तो ये कुछ रियल फ्लावर्स हैं। और मैं आपको दिखाऊँ मिठाई, ओ माय गॉड, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ है। इतनी सारी मिठाइयाँ मैंने लाई हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी है। लेट मी शो यू, ये मिठाइयाँ और दिखाती हूँ मैं आपको। आप जिधर देखेंगे ना उधर ही। और तो और मैं आपको बताऊं, ये सारे ही जो स्वीट्स हैं ना, बहुत सारे पैक हैं, 1 2 3 ओ माय गॉड, इसमें भी है 4, इसमें भी है 5। तो इतनी सारी मिठाइयाँ, और भी क्या है इसमें भी कुछ कुछ है।
सो बहुत सारा सामान है और चलते हैं फटाफट, तैयारी पे लग जाते हैं। पहले मैं कोशिश करती हूँ बाहर रंगोली बना लूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए। बाय गाइस, हैप्पी दिवाली अगेन। सो आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये ऐसा कुछ बन के रेडी हुआ है रंगोली। सो जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और देखा आपने, एक बार मैं सारे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी साथ में करना। सो लेट्स डू दैट पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाय बाय। सो बाहर ना मैंने कुछ रंगोली बनाई है और अभी उस पर फ्लावर लगाना बाकी है, तो जो बन गया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो मैंने बनाया है वो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारे अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये और अभी इस पे फ्लावर लगाना अभी बाकी है, ये पूरा यहाँ तक। तो ये अभी बन चुके हैं और इस पे अभी फ्लावर लगाएंगे। और तब तक ना मैं क्या करती हूँ, हाँ सो अभी क्या करती हूँ ना, तब तक मैं इस मिठाई का डब्बा गार्ड को देख करके, गार्ड अंकल को देख करके आ जाती हूँ, जो कि क्योंकि उनका अब शिफ्ट ख़त्म होने वाला होगा। सो ये लेते हैं एक कैरी बैग, इसमें पैक करते हैं एक मिठाई का डब्बा। जस्ट होल्ड ऑन। विथ लॉट्स ऑफ लव के साथ, और ये रहा उनके लिए मिठाई। सो चलते हैं, पहले उनको दे करके आते हैं मिठाई। सो लेट्स गो। हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सो आप कुछ करेंगे फ्लावर, थोड़ा बैठ जाती हूँ ना, बैठ खड़े खड़े अभी रंगोली उधर बना रही थी ना, तो थक गई रंगोली बनाते बनाते। ओह माय गॉड, इसको तो खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कैसे आप लोगों को बता पाऊँ। सो अब इसको अनबॉक्स करके, इसको खोल करके और इसको रख देंगे यहाँ मिड में। और आपको पता है ये आप देखेंगे एक पीपल का पत्ता भी है इसमें। ओह माय गॉड, बहुत खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार। और तो और इसमें कैंडल भी लगे हुए हैं, कैंडल भी दिए हुए हैं बहुत सारा जलाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये आप देखेंगे ये भी खुशबू से भरपूर है। फिलहाल तो इसको रहने देती हूँ इसी में। ओके, सो ये आ गया हमारा मिड में। और नेक्स्ट इसमें जो कैंडल वैंडल है अभी इसको लगाएंगे, बाहर जलाएंगे अभी के लिए तो। ओके, इसका पैकेजिंग भी इतना गोल्ड गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अब इसमें निकाल लेते हैं फ्लावर। सो इसको तोड़ लेते हैं और उसके बाद लगाएंगे अभी। सो ये देखेंगे मैंने इसको फ्लावर से, और मिट में मैंने डाला है एक रियल रोज जो कि फ्रेग्रेंस से भरा हुआ है। आज तो लगता है कि लक्ष्मी जी हम पे खुशी होने वाली है। और ये मैंने तीन फ्लावर यूज किए हैं, येलो व्हाइट एंड पिंक कलर का, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। और चलिए अब टाइम है मंदिर को करने का, तो हम आ गए हैं मंदिर वाले एरिया में। करेंगे मंदिर को, तो फ्लावर हमारे पास थोड़े कम ही बचे हैं क्योंकि बाहर मैंने रंगोली में लगा दिए हैं, तो थोड़ा उसी हिसाब से मुझे ये डेकोरेशन करना होगा। बहुत तेज चोट लगा। हे गाइस, अब सो चलिए मैं आपको अपना थोड़ा सा डेकोरेशन दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है। सो पहले चलते हैं बाहर के रंगोली से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर फ्लावर इट्स लुकिंग मोर बेटर। सो ये आप देखेंगे यहाँ पे फ्लावर के साथ, ये मैंने बाहर का किया है और
चलते हैं अंदर। सो ये हमने कर दिया गेट क्लोज, गेट सॉरी अभी नहीं हुआ, गेट क्लोज। ओके ये सो ये हमने किया है सेंटर टेबल पे, और बाकी का ये हमने अच्छा सा फ्लावर का किया है, और ये मेरी पूजा की थाली रेडी है, और यहाँ पे कैंडल अभी जलाएंगे। ये छोटा सा फ्लावर का किया मैंने, देन किया ये 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 ये, और हम मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ें दिखाती हूँ, और ये है हमारा पूजा घर पूजा का, और अभी चलेंगे इसको करेंगे हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। और बाकी चलिए मैं आपको बालकनी का व्यू अपना दिखा देती हूँ। सो ये देखेंगे बालकनी पूरा दिवाली को लेकर के बहुत मस्त। ये हमने एक लाइट भी लगा दिया है बालकनी में, जो कि अच्छा ही लग रहा है। सो लेट्स कम बैक और ये देख सकते हैं ये मैं हूँ और आप मुझे देख सकते हैं इस मिरर में। चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। कैंडल जला लिया है और यहाँ था लाइक यहाँ रेडी है हमारी पूजा की थाली और यहाँ रेडी हूँ मैं, तो चलिए करते हैं पूजा स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। मेरे परिवार, हमारा बेस, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ढेर सारी समृद्धि दे, उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे। ये कंप्लीट और इसको रख देते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर बाहर रखने की दिक्कत हो सकती है, तो इसको रख दिया नीचे। और चलिए थोड़ा कुछ खाया पिया जाए और फिर मिलती हूँ थोड़ी ही देर में के लिए। आपको बड़ा दर्द देखिए और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे, आपके परिवार को दे, पूरा वर्ल्ड को दे, पूरा देश को दे, पूरा जहान को दे। थैंक यू गाइस। सो दिन वाले गार्ड को तो स्वीट्स दे दिया था और अभी टाइम है जो अभी इवनिंग वाले हैं उनको देने का, तो चलिए उनको दे करके आते हैं। और सच बताऊँ मुझे अब गर्मी लग रही है, कैंडल वैंडल जला रखा है इस वजह से फ़ैन ऑन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे गर्मी लग रहा है। चलिए फिर उनको दे करके आते हैं। सोचो थोड़ा मंदिर होते हुए जाऊँ, तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। पीछे देखेंगे बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा इसका डेकोरेशन हो रखा है। डर लगता है मुझे ना इतने सारे पटाखों की आवाज़ से, मुझे डर लगने लग गया और मुझे भागना है यहाँ से, घर जाना है बस। ओह माय गॉड, इतने जोर से पटाखे आवाज़ करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे ही उड़ जाएंगे वो, इसलिए मैं बस पटाखों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ।